हेलो क्लास फिफ्थ क्लास, आप सभी को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, अब आपकी छुट्टियां तो समाप्त हो चुकी हैं और अब आपकी पढ़ाई शुरू होगी, है ना? अब आप अपनी पढ़ाई प्रारंभ कीजिए, यानी कि आपका पढ़ाई का समय शुरू हो चुका है। तो बच्चों, आप स्वयं जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं कैसे हुई और कैसे आपने कार्य किया, या आप स्वयं जानते हैं। इसलिए अब आप वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और दिए गए कार्य को समय पर पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 11 मेहनत का फल वाचन करवाऊंगी और समझाऊंगी। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उस पाठ को ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझने का मतलब ये नहीं कि आपने मेरा वीडियो खोला, पढ़ा और उसके बाद बंद कर दिया। नहीं बेटा, आप लोगों को क्या करना है, आपको स्वयं भी बाद में उसका वाचन करना है, ध्यान से पढ़ना है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले मैं उस पाठ का, यानी इस पाठ का मेहनत का फल, इसका सारांश आपको समझा देती हूँ। प्रस्तुत पाठ में हम जो है, अनुराग नाम का एक विद्यार्थी है जिसका कि मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता है और वो कई बार कक्षा में फेल भी हो चुका, लेकिन जब वह निराश हो गया तो एक जंगल की ओर चल पड़ा, यानी वो जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि एक कुआं है और वो कुएं को देखकर चकित होता है। क्यों चकित होता है? क्योंकि उसको कुएं की जगत पर एक निशान दिखाई देता है। वह उस निशान को देखकर एक स्त्री से पत्थर पर बने निशान के बारे में पूछता। जब वो कुएं की जगत पर निशान देखता है तो उसे वहां पर एक स्त्री मिलती है, उससे पूछता है कि यह निशान कैसा है। तो स्त्री उसके बारे में बताती है, यही इस पाठ में बताया गया है कि उसने उस निशान को देखकर क्या संकल्प किया। ठीक है, और वो समझ जाता है कि रस्सी की रगड़ से, जो बार बार हम, जैसे कुएं से आपने देखा होगा पानी खींचते हैं तो रस्सी की रगड़ कहाँ लगती है? कुएं की जगत पर लगती है, उसकी दीवार पर जब लगती है तो पत्थर वहां पर घिस जाता है और उससे निशान बन जाता है। उसी निशान को देखकर उसने संकल्प किया कि वह भी मेहनत करके पढ़ लिख सकता है और उसके आगे वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, अपनी बुक खोलिए, पाठ का नाम है मेहनत का फल। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि बच्चों आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने परिश्रम किया और आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन आपको परिश्रम करना है, आपको सच्चे मन से परिश्रम करना है और सोचना है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी और परिश्रम अवश्य आपको सफलता देगी। ध्यान दीजिएगा, अनुराग नाम का एक विद्यार्थी था, स्वभाव से वह बहुत हंसमुख और सुशील था, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सब उसे मंद बुद्धि कहते थे। अनुराग नाम का एक विद्यार्थी था, यानी स्कूल में पढ़ने वाला बालक था। उसका स्वभाव बहुत हंसमुख था, सुशील था वो। ठीक है, उसका मन, इसके बावजूद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। लोग जो उसके आसपास के लोग थे, उसके दोस्त थे, सब उसको मंद बुद्धि कहते थे। मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला। पढ़ाई में ध्यान न लगा पाने के कारण वह कक्षा में हमेशा पिछड़ा रहता था। बड़ी मुश्किल से वह 7वीं कक्षा में पहुंचा था। अब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था तो बहुत मुश्किल से वह 7वीं कक्षा में पहुंचा था। बेटे की मंद बुद्धि के कारण उसके माता पिता निराश और चिंतित रहते थे। उनको अपने पुत्र से बहुत अपेक्षा थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बेटे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था, मंद बुद्धि था, सभी उसको मंदबुद्धि ही समझते थे। तो उसके मम्मी पापा जो थे हमेशा उदास रहते थे,
चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। निराश मतलब उदास रहते थे, चिंतित यानी परेशान रहते थे। उनको अपने पुत्र से बहुत अपेक्षा थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बहुत आशाएं थी, अपेक्षा मतलब आशा। उसके मम्मी पापा को बहुत आशाएं थी कि वह पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने। कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते थे तो अनुराग का ध्यान इधर उधर होता था। होता है ना क्लास में से जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, अगर उस कक्षा में हम आपको पढ़ाते हैं तो कई बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर ध्यान देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अनुराग भी इधर उधर ध्यान देता था, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह शिक्षक की बातें बिल्कुल नहीं सुनता था। यदि कुछ पढ़ता भी था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था। यदि उसने कुछ पढ़ा भी तो उसको वह याद नहीं होता था। परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष भी वह अपनी कक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। उसका नतीजा क्या, परिणाम क्या, मतलब उसको क्या मिला कि वह उस वर्ष भी कक्षा में फेल हो गया। वह बहुत निराश हुआ, बहुत उदास हुआ। वो इस असफलता से निराश होकर वह गांव से बाहर जंगल में चल पड़ा। निराश होकर क्या किया उसने, वो जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह बहुत थक गया, चलते चलते वह बहुत थक गया। उसे बहुत प्यास लगी। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में उसने एक कुआं देखा। जब वो घर से निकल गया जंगल की ओर तो थक गया। बहुत दूर तक चला तो उसको थकान लगी। उसने क्या किया, उसे प्यास लगी तो बहुत दूर चलने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। आप सभी ने देखा होगा कुआं। कुएं पर गांव की कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने के लिए आग्रह किया। उसने एक स्त्री से अनुरोध किया पानी पीने के लिए, मतलब उसको प्यास लगी थी तो वो कुएं के पास जब सारी स्त्रियां खड़ी थी तो उसने एक स्त्री से पानी मांगा, यानी पानी पिलाने का आग्रह किया। पानी पीते पीते अनुराग का ध्यान अचानक कुएं के पत्थरों पर बने गहरे निशानों पर गया और वह सोचने लगा कि पत्थरों पर ये कैसे निशान है। पानी पीते पीते उसने देखा कि कुएं के पत्थर पर क्या है, निशान है, गहरे निशान है। वह सोचने लगा कि निशान कैसे बने पत्थरों पर। उसने उस स्त्री से उन निशानों के बनने का कारण पूछा। जो स्त्री ने उसको पानी पिलाया उसने उस स्त्री से पूछा कि किस कारणवश ये निशान पड़े हैं। तो स्त्री ने कहा, हम रोज रस्सी की मदद से इस कुएं से पानी भरते हैं। रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर यह निशान बन गए हैं। स्त्री ने बताया कि हम रोज रोज क्या करते हैं, आपने देखा कुएं से पानी कैसे खींचते हैं, एक रस्सी होती है ना, उसमें बाल्टी बंधी होती है और ऊपर से जो कुएं का जो अंदर का हिस्सा होता है तो जो हम पानी खींचते हैं तो वो निशान अंदर से रस्सी पे बार बार क्या होता है, रस्सी बार बार उस पर रगड़ खाती है तो उस पत्थर पर निशान बन गए, क्योंकि एक दिन में न जाने कितने बार वो लोग कुएं से पानी निकालते हैं। तो ठीक बार बार रगड़ खाने से ये निशान बन गया पत्थरों पर। अनुराग सोचने लगा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकते हैं तो बार बार याद करने से मुझे भी पाठ याद हो सकता है। अब अनुराग को समझ में आया कि जब एक रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो क्यों नहीं, मैं बार बार पाठ को पढ़ूंगा तो मुझे क्यों नहीं वो याद हो सकता। यह सोचते हुए उसने उत्साहित होकर अपने आप से कहा, उसने ये सोचा और उत्साहित हुआ उत्साहपूर्वक कि संभव है, यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो मैं प्रथम आ सकता हूं। उसने कहा, यदि मैं बार बार पाठ पढ़ूंगा और मुझे अच्छे से याद होगा तो ये क्यों नहीं संभव कि मैं मतलब कक्षा में प्रथम आ सकूं। तो यह बोध होते ही वह घर की ओर दौड़ चला और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। जब उसको इस बात का ज्ञान हुआ, बोध मतलब ज्ञान होना, उसको समझ आई तो वह घर की ओर दौड़ चला और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। उस दिन से उसने क्या किया, मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था, मतलब प्रत्येक पाठ को बार बार पढ़ता था। वह हर पाठ का अभ्यास क्या करता था, बार बार करता था, उसको पढ़ता था। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। जब उसने अभ्यास किया, पाठ को बार बार पढ़ा तो उसकी समझ में आने लगा। उसके बाद उसने असफलता का मुंह कभी नहीं देखा, यानी वो हर परीक्षा में सफल होता गया। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी, यानी उसने
ऊंची शिक्षा प्राप्त की और उसकी गिनती भी बड़े विद्वानों में होने लगी। यानी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर निशान। बार बार अभ्यास करने से जड़मति, जो जिनकी बुद्धि कम होती है, जो जड़मति वाले होते हैं, उनकी बुद्धि भी सही हो जाती है। जिस प्रकार से कि रस्सी से कुएं पर निशान पड़ा था बार बार आने से, आपने देखा कि पत्थर पर किस प्रकार से निशान पड़ा था। यानी इस पाठ में ये बताया गया है कि बार बार मेहनत करने से, यानी अभ्यास करने से हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार हारने से आपको पीछे नहीं हटना है। ये नहीं कि आपको एक बार असफलता मिली तो आप पीछे हट गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अनुराग ने किस प्रकार से मेहनत की, उसने कुएं पर देखा, निशान को देखा, उसने पूछा कि निशान कैसे पड़े, और परिश्रम किया, मेहनत की उसने, और उसको एक दिन सफलता मिल गई। ठीक है बच्चों, तो आपको भी इस पाठ से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार बार बार अभ्यास करना है, और अभ्यास करने से एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यानी इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लगन और मेहनत से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यदि हम सच्ची मेहनत, सच्चे दिल से, मेहनत से, लगन से हम अपने किसी भी कार्य को, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी कार्य हो, अगर हम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब आप जैसा कि जानते हैं कि पाठ से संबंधित ही आपको कार्य दिया जाता है, लेकिन बच्चों आप फिर से ऐसा ना करें कि आपको बार बार बताना पड़े कि कार्य भेजो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस नए वर्ष में एक आप संकल्प कीजिए कि आपको जिस दिन कार्य दिया जाता है, जिस भी विषय का, आप उसको समय पर पूरा करेंगे और उसको हम तक भेजेंगे। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर जो आपको दिए जाते हैं उसका आंसर अच्छे से लिखेंगे। अगर आपने अच्छे से पाठ भी पढ़ लिया है तो आप उसका आंसर भी ढंग से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।